So hello everyone, in this video I'm going to share with you a central idea of a story from your class 12 Vistas book and this is your first chapter of the book. So basically ये central idea है, ठीक है। आपको पूरी story तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें मैं जितना हो सके उतना आपको बताने की कोशिश करूँगा ये छोटे से वीडियो में, ठीक है। The central theme of the Third Level story revolves around the idea of seeking an escape from the challenges of everyday life and a yearning to discover a more आइडियल एग्जिस्टेंस, ठीक है। सो पहला पैराग्राफ पे हमें ये जानने को मिलते हैं कि ये थर्ड लेवल स्टोरी का जो सेंट्रल थीम जो है, ठीक है, इसमें हमें एक आइडिया के बारे में पता लगता है, जो आइडिया जो हम एवरीडे लाइफ से, ठीक है, एवरीडे लाइफ में जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस आता है, इन चीज़ों से दूर जाने बारे में, इन चीज़ों से दूर रहने की एक आइडिया को हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं। इसी चीज़ के बारे में हमें इस कहानी में जानने को मिलते हैं। और साथ ही साथ दे यार्निंग टू डिस्कवर और मोर आइडियल एग्जिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि हमारी रोज़ लाइफ में हमारी काम की प्रेशर होता है, हमारी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होता है, ठीक है। इस चीज़ से कहीं दूर, ठीक है, अलग से एक अल्टरनेटिव रियलिटी में, ठीक है, वहाँ जाकर हम एक अच्छा सा हमारी एक लाइफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। इस चीज़ का जो एक यार्निंग मीन्स एक डिज़ायर जो एक हर एक इंसान के अंदर होता है, इस चीज़ के आइडिया के इस आइडिया के बारे में हमें बताते हैं। इट डाइव्स इनटू द कंसेप्ट ऑफ अ कंसील्ड थर्ड लेवल offering individuals an opportunity to retreat from their troubles and find solace, ठीक है। solace means peace। अब ये कहानी एक और कंसेप्ट की ओर हमें ले जाता है और ये कंसेप्ट है एक कंसील्ड थर्ड लेवल। ऐसा थर्ड लेवल एक कहानी में, जैसे हमारा कहानी का नाम ही थर्ड लेवल है, तो यहाँ पे एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, ठीक है, 3 लेवल होता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। लेकिन थर्ड लेवल यहाँ पर नैरेटर चार्ली को ही मिलते हैं, ठीक है। और ये थर्ड लेवल जो है एक हिडन है, एक कंसील्ड थर्ड लेवल है, ठीक है। स्टेशन पर जो एक लेवल जो रहता है वो कंसील है, ठीक है ना। इस चीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। और ये थर्ड लेवल एक इंडिविजुअल को क्या चीज़ ऑफर करते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं कि हमारी रोज़मर्रा के लाइफ जो है, लाइफ में ट्रबल्स आते हैं, दुख आते हैं, पेन आते हैं, इस चीज़ से रिट्रीट होना। रिट्रीट मीन्स अवे, मतलब दूर होना, ठीक है ना। अवे फ्रॉम, रिट्रीट मीन्स अवे फ्रॉम, ठीक है ना, हमारी दुख से। और इस हमारी एवरीडे लाइफ से हम रिट्रीट होकर हम कहाँ पर एक दूसरी थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल एक आइडियल एग्जिस्टेंस है, एक अल्टरनेटिव रियलिटी है, ठीक है, जहाँ पर हमें पीस मिल सकता है, इस चीज़ के बारे में बताते हैं। Additionally, the narrative delves into the human longing for an alternative reality, ठीक है। और एडिशनली हमें एक और चीज़ बताता है कि इंसान के अंदर जो एक लॉन्गिंग रहता है, लॉन्गिंग मीन्स एक बहुत बड़ा डिज़ायर, ठीक है ना, एक इच्छा, चाह जो एक इंसान के अंदर रहता है, किस चीज़ का लॉन्गिंग रहता है, एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी की इस दुनिया को मैं छोड़ दूँ और मैं ऐसी जगह जहाँ पर शांति से रह सकूँ, ऐसे जगह पे जाऊँ मैं, ऐसे जो इंसान के दिल में जो एक ख्याल जो रहता है, इस लॉन्गिंग के बारे में हमें ये कहानी बताता है। हाईलाइटिंग द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सीकिंग कम्फर्ट इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। और जैसे कि इस कहानी पे, ठीक है, एक जो थर्ड लेवल जो है एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, ठीक है, ये वास्तविक में नहीं है ये वर्ल्ड, ठीक है। और वहाँ पर उस थर्ड लेवल में जाकर उस इमेजिनरी वर्ल्ड में जाकर हम वहाँ पर एक शांति से पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। इसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंस के बारे में, ठीक है, इसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंस के बारे में हमें ये कहानी बताता है। आई होप ये आप छोटा सा, ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी आपको समझ में आया होगा एंड यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम दिस वीडियो, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एंड आपको पूरी कहानी समझने के लिए यू हैव टू रीड द फुल स्टोरी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।